20 फरवरी की तारीख थी वो, जिस रोज पाकिस्तान के सरजमी से संचालित आतंकवाद को हिंदुस्तानी बारूद ने धुआं धुआं किया था। ये तो तय था कि आतंक के अड्डे तहस नहस हुए थे, मगर ये तय नहीं था कि कुल कितने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया। आतंकियों की मौत का आंकड़ा कितना था ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन अहमदाबाद की चुनावी रैली में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आतंकियों की मौत का आंकड़ा भी बता दिया। सुनिए। उरी अंदर घटना थी, थल सेनाए पाकिस्तान ना घर में घुसी सर्जिकल स्ट्राइक करी आपना जवानों ना मृत्यु ने पुलवामा नी अंदर घटना थी, पुलवामा नी अंदर घटना थता नी साथे બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે, કે એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓનો શોધ। અમિત શાહ કે પાસ આતંકીઓ કી મોત કે આંકડે કહાં સે આયે યે તો અમિત શાહ હી જાને, મગર અમિત શાહ કે બયાન ને કોંગ્રેસ કો નિશાના સાધને કા મોકા દે દિયા। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, वाइस एयर मार्शल आर जी के कपूर ने आतंकियों के मारे जाने के सटीक आंकड़ों को नहीं बताया, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि सेना ने 250 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। क्या ये राजनीति नहीं है? पहले तो अमित शाह जी बताइए कि ये जान के उनको कहां से जानकारी उनको कहां से मिली, ये जो जानकारी है अमित शाह को कहां से मिली? क्योंकि अमित शाह तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो तो सरकार में मंत्री नहीं है, ना वो जानकारी पा सकते हैं जब तक उनको सरकार जानकारी न दे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि बीजेपी सैनिकों के शौर्य पर सियासत कर रही है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के जवानों को सैल्यूट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों भूले? कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो एयर स्ट्राइक पर राजनीति कर रही है, मगर यही आरोप बीजेपी कांग्रेस पर भी लगा रही है। साथियों, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। मतलब ये कि सियासत दोनों तरफ से शबाब पर है। ये अलग बात है कि 26 फरवरी को 3:30 बजे जब वायुसेना के जाबाजों ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर बारूद बरसाए तो पूरा देश गर्व से भर उठा। उस रोज हर सियासी दल ने एक ही सुर छेड़ा था कि सेना के शौर्य पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर मौका 2019 के चुनाव का है, लिहाजा पक्ष विपक्ष दोनों की राजनीति चरम पर है। दिवसे एयर स्ट्राइक करी 250 आतंकवादियों ने शोध।